हनुमना से स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई। ठेले में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लगभग 3 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचता हनुमना कस्बे में इलाज के लिए। ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में जमकर हो रहा है। साफ तौर से वीडियो में देखा जा सकता है जिस तरीके से वृद्ध अपनी पत्नी को इलाज के लिए लेकर आ रहा है, काफी चौंकाने वाला है। स्वास्थ्य विभाग के उन तमाम दावों की यह वीडियो पोल खोलता है जिसमें कहा जाता है हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं काफी बेहतर है। हनुमना में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, बीमार पत्नी को ठेले से ले जाते हुए वीडियो हो रहा जमकर वायरल। सरकार के दावे की पोल खोलती यह तस्वीर हनुमना से निकलकर सामने आई है। वहां पर लगभग 3 किलोमीटर ठेले में अपनी पत्नी को लिटाकर इलाज के लिए पहुंचा हनुमना, जहां पर एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर तमाम तरीके के दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आज हम आपको एक बार फिर से दिखाने जा रहे हैं। इस तरीके की तस्वीरें रीवा जिले में अक्सर ही वायरल होती रहती हैं। रीवा जिले के अंतर्गत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कई तरीके के दावे समय समय पर किए जा रहे हैं, लेकिन जिले के मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर हनुमना से आई तस्वीर कुछ और ही बोलती है। ये तस्वीर ये बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आप अपने स्क्रीन पर स्वयं ही देख पा रहे होंगे, वीडियो में साफ तौर से दिखाई दे रहा है। एक वृद्ध व्यक्ति अपनी बीमार पत्नी को लगभग 3 किलोमीटर तक इलाज कराने ले जाने के लिए अपने गाँव से हनुमना तक का सफर तय करता है। स्वास्थ्य विभाग की एक बार फिर से खुलती है पोल। यह वीडियो देखकर हम साफ तौर से ऐसा ही कह सकते हैं। यह वीडियो रीवा जिले के गलियारे में तेजी से वायरल हो रहा है, जहां ठेले से बीमार पत्नी को ले जाया जा रहा है। ठेले पर अपनी पत्नी को लेकर जाने वाले व्यक्ति का नाम जब हमने पता करने की कोशिश की तो उसका नाम हमको रामलाल कोल बताया गया। वह अपनी पत्नी मानवती, जिसकी उम्र 65 साल है, को तबीयत खराब होने के बाद इलाज के लिए हनुमना के लिए लेकर निकलता है, लेकिन जैसी सुविधा नहीं मिलती तो वो इलाज के लिए अपनी पत्नी को अपने ही ठेले में रखता है और चल देता है हनुमना की ओर। रास्ते में ये वीडियो बन जाता है। यह शर्मसार कर देने वाली तस्वीर निकलकर सामने आ जाती है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। शायद ये सवाल बनकर ही रह जाएगा। वृद्ध अपनी बीमार पत्नी को ठेले से इलाज कराने के लिए लेकर आ रहा है। इस बारे में हमने वृद्ध से बात की, उनका क्या कुछ कहना था वो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो साफ तौर से दिखाई दे रहा है, एक वृद्ध लगभग 65 से 70 साल जिसकी उम्र होगी, अपनी 65 साल की पत्नी को इलाज के लिए, उसकी जब तबीयत खराब होती है तो ठेले में लगकर इलाज के लिए निकलता है हनुमना के लिए, अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला वीडियो है। जैसा कि आपने अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये वीडियो साफ तौर से बताता है। हमने ठेले से अपनी पत्नी को ले जाने वाले व्यक्ति रामलाल कोल से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने अपनी पत्नी मानवती को लेकर क्या कुछ बताया। एम्बुलेंस का फोन लगा रहे हैं? हाँ, नहीं लगा। तो अभी एम्बुलेंस नहीं आई, कहाँ लेकर रहे हैं? ठेलिया से तो कहाँ चाहिए रहे हैं? दवाई चाहिए ला है। कई किलोमीटर इस ठेले से ले गए हैं? 2 किलोमीटर है। कई किलोमीटर है? 3 किलोमीटर है। राहत कौन सा मुआ नहीं मिला ला है ना? जी जी जी।